शांति। आज 15 जुलाई 2022 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं, शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। प्रश्न है, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही शांते हैं? बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है? उत्तर है, बाप जानते हैं बच्चों ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षण भंगुर की हुई, एकदम जंगल में जाकर फंस गए, विकारों रूपी डाकों ने लूट लिया। अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते, बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, मेरे से ही सच्ची सगाई करो, इस बेहद की सगाई में ही मजा है। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए रिकॉर्ड भी काफ़ी होते हैं, इसलिए बाप कहते हैं और फर्नीचर आदि तो घर में लाया जाता है, 5-7 रिकॉर्ड भी घर में रखो, भल बाल बच्चे भी रिकॉर्ड सुने तो भी नशा चढ़े। महिमा तो सारी एक बाप की है ना, परंतु इस समय कोई उनको शांति नहीं है। और तो मनुष्यों की ढेर महिमा करते हैं, फॉरेन के कोई आदमी आते हैं तो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, बाप को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। एक ही बाप हैं जो पति दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। पति दुनिया है विषय सागर, पावन दुनिया है क्षीर सागर। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम यह भी निश्चय करते हो कि हमको अब श्रीमत मिली है, रूहानी पंडा मिला है, जिस्मानी पंडे हैं जिस्मानी यात्रा कराने के लिए। मनुष्य कितने यज्ञ तीर्थ आदि करते आए हैं, परंतु फायदा तो कुछ नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए जिससे खुशी रहे। जन्म जन्मांतर कितने तीर्थ किए हैं, परंतु सच्चा तीर्थ एक ही है अथवा दो कहो, और कराने वाला है बाप। वह समझते हैं यज्ञ तप तीर्थ करने से भगवान मिलेगा। अच्छा, वह कहाँ ले जाएंगे? जरूर अपने घर ही ले जाएंगे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ है सुखधाम और शांति धाम। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमें सच्चे सच्चे तीर्थों को ही याद करना है, यही मन मना भव है। बच्चे जानते हैं हम अभी तीर्थों पर जा रहे हैं। बाप कहते हैं अपने घर को और राजाई को याद करो। स्वर्ग का रचयिता एक बाप ही है, उसको हेविनली गॉड फादर कहा जाता है, इसलिए पूछा जाता है हेविनली गॉड फादर से आपका क्या संबंध है। अगर सिर्फ तुम पूछेंगे कि गॉड फादर को तुम पहचानते हो तो झट कह देंगे हाँ, वह सर्वव्यापी है। तो यह समझाने की युक्ति रची जाती है कि बच्चों को सहज हो। तकलीफ तो बहुत देखी है ना, आधा कल्प 63 जन्म तुम आसुरी मत पर चले हो। पुरुषार्थ तो किया जाता है अच्छे प्रारब्ध पाने के लिए, परंतु तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला हुई नहीं है, और ही गिरते आए हैं, कितना माथा मारते रहते हैं, भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की, दर दर भटकते हो। बाप जानते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत तकलीफ उठाई है, 63 जन्म बहुत धक्के खाए हैं। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं इस दुनिया में कागविष्टा समान सुख है, वैसे तुमने जो इतनी मेहनत की थोड़ा सा अल्पकाल का सुख मिला, क्योंकि साक्षात्कार हुआ, थोड़ा सा सुख हुआ। अब तो बाप कहते हैं
बच्चे तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं, एकदम जंगल में जाकर फंसे थे, जंगलों में डाकू रहते हैं, इस जंगल में भी कई तुमको लूटने वाले डाकू मिलते हैं। सबसे पहले पहले आता है देह अभिमान, इसके साथ ही कितने बड़े डाकू हैं, यह है आदि मध्य अंत दुख देने वाले नंबर वन डाकू। यह किसको पता नहीं है, तुम कहते हो यह बड़े ते बड़े डाकू हैं, मनुष्य कहते हैं यह डाकापन जरूर चाहिए, बाप कहते हैं इन डाकुओं ने क्या तुम्हारी हालत कर दी है, एक दो को काम कटारी से मारते हैं, कितना खर्चा करते हैं, धक्का खाते खाते अब क्या हाल हो गया है। अब यह तो बेहद की बातें हैं, हाँ आज बच्चा जन्मा खुशी हुई, कल मर जाता है तो रोने लग पड़ते, दुनिया की हालत देखो अब क्या है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, वही सदगुरु हैं, वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के हैं, रास्ता बताते हैं, जप तप दान पुण्य आदि करने से भगवान मिलेगा, परंतु उसमें कितना खर्चा लगता है, यहाँ कोई खर्चा नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, यह सच्ची सगाई है, कन्या की सगाई होती है ना, उनको क्या पता किससे सगाई होगी, यह भी कहते हैं कि भगवान साजन आएगा जरूर, परंतु जानते नहीं हैं, वह है हद की बात, इस बेहद की सगाई में कितना मजा है। बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, तो उस पर सबको चलना पड़े, तुम जानते हो कल्प कल्प श्रीमत मिलने से ही भारत श्रेष्ठ बनता है, भारत को ही पैराडाइज कहते हैं, सेंसिबल जो हैं वह समझेंगे, बरोबर पैराडाइज भारत ही था, भारत में ही गॉड गॉडेश का राज्य था, तुम उन्हें समझा सकते हो कि भारत जब हेविन था उस समय तुम थे नहीं, कोई भी नेशनलिटी नहीं थी, गॉड गॉडेश का राज्य समझते थे, कृष्ण को ही कभी लॉर्ड कभी गॉड कह देते हैं, श्री कृष्ण का ही मान है, लॉर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको भगवान समझते हैं, गीता के भगवान ने सबको सदगति दी है, नाम कृष्ण का डाल दिया है, इसलिए कृष्ण का बहुत मान है, कहते हैं कृष्ण सावरा कृष्ण गोरा श्याम सुंदर, कैसे कैसे काली चित्र बनाते हैं, काली माता बनाई है कलकत्ते की, आसपास जहाँ तहाँ काली के ही मंदिर होंगे, जगत अम्बा के चित्र भी किसम किसम के बनाते हैं, अभी तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, यह कौन बैठकर समझाते हैं, सदगुरु सत बाबा सत शिक्षक, उनका नाम ही सत, सच बोलने वाला सच जानने वाला, ग्रंथ सुख मणि में उनकी बहुत महिमा है, वह आकर सच खंड की स्थापना करते हैं और मनुष्यों को ऐसा सच्चा बनाते हैं, तुम सबको सच बताते हो, सिख लोगों को भी समझाना तो बहुत सहज है, वह अकाल तख्त को भी मानते हैं, सत श्री अकाल का तख्त है यह, विचारों को कुछ भी पता नहीं है कि सत श्री अकाल किस तख्त पर बैठते हैं, आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठती है, कितना बड़ा तख्त है, बाप आकर इस तख्त पर बैठते हैं, यह है अकाल तख्त, ज्ञान सागर बाप इसमें बैठ हमको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं, ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्य अंत की सब बातें समझाते हैं, जिस बात को कोई नहीं जानते हैं, सब अपनी अपनी बड़ाई में मस्त हैं, तुम्हारी मस्ती देखो कैसी है, तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, अब तुमको सारी नॉलेज मिली है, जानते हो टीचर पढ़ाते हैं तो साथ में आशीर्वाद भी होती हैं, मांगने की दरकार नहीं रहती, टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ना तुम्हारा काम है, तुम्हारी बुद्धि में
यह नॉलेज ही फुल होनी चाहिए। नाटक में सभी एक्टर्स बुद्धि में रहते हैं ना, इस बेहद के नाटक के भी मुख्य एक्टर्स देखो, बाप भी कैसे आते हैं, कैसे नॉलेज सुनाते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई पति अपनी स्त्री के लिए धन छोड़कर जाते हैं, परंतु बच्चा नालायक निकल पड़ता है जो माँ को भी दुखी करता है। बाबा तो अनुभवी है, बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, गावड़े का छोरा कहते हैं। कृष्ण तो विश्व का मालिक था, उनको थोड़े ही गावड़े का छोरा कहेंगे। वह तो गोरा था, वैकुंठ का मालिक था। जब सावरा बनता है तब गांव में रहता है, तो कृष्ण ही अंतिम जन्म में गांव का छोरा कैसे बना है, यह तुम जानते हो। बाबा खुद भी वंडर खाते हैं, हम क्या थे। अभी बाबा को मालूम पड़ा है श्रीमद् द्वारा, तुमको भी मालूम पड़ा है, वंडर है ना, कितना बड़ा मालिक और फिर कितना नीचे आ जाते हैं। काम चिता पर चढ़ने के बाद फिर गिरते आए हैं। अभी तुम समझते हो कि कृष्ण को गावड़े का छोरा क्यों कहते हैं। खुद बाबा बतलाते हैं, पहले क्या थे अब क्या बने हैं, ततत्वम। अब तुम समझते हो कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। श्याम सुंदर का अर्थ भी अब समझा है। हम भी ऐसे थे, हमने भी 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अब नाटक पूरा होता है, अब जाते हैं अपने घर। बड़ी सहज बात है, बाप कहते हैं मामे कम याद करते रहो और वरसे को याद करो, सबको रास्ता बताओ। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गायन भी कितना अच्छा है, अंधेरे के बाद फिर सोजरा होता है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तुम्हारी बुद्धि में अब सारा राज आ गया है। जानते हो अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, सब अभी गए कि गए अपने घर। बाबा सम्मुख बैठ बच्चे बच्चे कहते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा इस रथ में बैठे हैं, वही ज्ञान का सागर है। यह ब्रह्मा फिर हो जाता है मास्टर ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर पतित पावन इस तन में है, खुद भी कहते हैं कि मैं इस तन में आता हूँ, नहीं तो किसके तन में आऊँ। जो ब्राह्मण भी बनाओ और नॉलेज भी दो, क्या बैल में आऊँगा। आजकल बैल के मस्तक पर भी शिवलिंग बनाते हैं, तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। तो ब्राह्मण कहाँ से आए, जरूर एडॉप्ट करना पड़े ब्राह्मणों को। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। जिस्मानी ब्राह्मणों की बात नहीं है, वह है कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, वह ब्राह्मण तो यह जानते ही नहीं, वह यह ज्ञान कहाँ से लाए। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे जितना हो सके और झर मुई झग मुई छोड़ दो। शरीर निर्वाह अर्थ तो धंधा आदि भी करना ही है, बाकी जो समय मिले मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। वह भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं, मित्र संबंधी आदि ढेर थे, परंतु उन सबसे बुद्धियोग हटाए नए संबंध में कितना लव रहता है। सर्विसेबुल बच्चों को छाती से लगा ले, बहुत बच्चे सपूत हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं, दुखियों को सुख धाम का मालिक बना रहे हैं। तो बाप ऐसे बच्चों पर बलिहार चाहते हैं, खुद सुख नहीं लेते हैं, कहते हैं तुम ही सुख लो, हम तो मुक्ति धाम में जाते हैं। ड्रामा में पार्ट तुम्हारा ही है, वैकुंठ का मालिक हमको नहीं बनना है। वैकुंठ के मालिक तुम बनते हो, उस समय तुम गोरे हो, फिर राज्य गवाते हो तो सांवरे बनते हो। सांवरे और गोरे का अर्थ कितना अच्छा है, बाबा ने चित्र भी ऐसा बनाया है। श्याम
और सुंदर 84 जन्म कैसे लेते हैं, फिर बाप द्वारा राजू कैसे सीखते हैं। लोग तो कृष्ण को जन्म मरण रहित कह देते हैं, तुम कृष्ण के 84 जन्मों को सिद्ध कर बताते हो, इसलिए वह काट कर सिर्फ चित्र रख देते हैं। वंडरफुल है मनुष्यों की बुद्धि, कितना पलटाना पड़ता है बुद्धि को। अब तुम्हारी बुद्धि पलटी हुई है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। इस दुनिया की एंड है, तुम बोल सकते हो। इन बॉम्ब्स आदि से सृष्टि का विनाश हुआ था, तुम यह क्या कर रहे हो? वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। बचने का कितना भी प्रबंध करेंगे, परंतु मरना तो जरूर है ही। बॉम्ब्स आदि कितने खौफनाक बनाए हैं। दुनिया की हालत देखो क्या है। बाकी थोड़ा समय है, मौत आया कि आया। कल्प पहले मुहाफिक सबके शरीर धन दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी हम सब आत्माएं बाबा के पास जाकर पहुँचेंगे, फिर अपनी राजधानी में आकर डांस करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। दूसरी पॉइंट है दुखियों को सुख धाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार जाए। आज का वरदान है मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। विश्लेषण ही दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसा कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग है, माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है, तो सफलता बंधी हुई है। कर्म योगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है। आज का स्लोगन है बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मना भव रहो। बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मना भव रहो। अच्छा, ओम शांति।